ये देखिए रानी मुनमुन, ये बनारसी साड़ी है। इसका एक एक धागा ना स्वर्ण का है, जुलाहों ने विशेष रूप से हमारे लिए बनाई है। ये साड़ी महारानी चिन्ना देवी को बहुत पसंद है, परंतु महाराज ने हमें भेंट स्वरूप दी है, है ना महारानी चिन्ना देवी? ये देखिए रानी मुनमुन, ये विश्व का सबसे अमूल्य हार है। विशेष रूप से स्वर्णकारों ने ये हमारे लिए बनाया है। कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ महारानी तिरुमलम्बा के पास भी होना चाहिए, है ना महारानी तिरुमलम्बा? हमें इस नौलखे शैली का हार बिल्कुल पसंद नहीं। आप ना ये देखिए, ये है हीरे मोती जड़ित कंगन, ये भी महारानी चिन्ना देवी को बहुत पसंद है, परंतु महाराज ने हमें भेंट स्वरूप दिए हैं। वो क्या है ना, हमें हाथ भारी भारी लगते हैं, इसलिए हम हीरे जड़ित कंगन नहीं पहनते। ये देखिए, ये है अनोखा कमरबंद, महाराज इसे युद्ध में जीत कर लाए थे और उन्होंने प्रेम स्वरूप हमें भेंट कर दिया। परंतु महारानी तिरुमलम्बा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों महारानी तिरुमलम्बा, है आपके पास ऐसा कुछ? आप लोगों के पास जो है आप वो प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो है हमें प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं रानी मुनमुन, हम ना आपके साथ लंका चलेंगे सब देखने के लिए। महारानी तिरुमलम्बा, रानी मुनमुन अपने प्रतिभा के कौशल और ज्ञात कलाओं के प्रदर्शन की बात कर रही है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़िए, ये लीजिए रानी मुनमुन, ये है आम और अदरक का रस, लीजिए। आम और अदरक, ये तो हमने कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना और कभी पिया भी नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, आज पी लीजिए, लीजिए। आपको पता है रानी मुनमुन, हमारी पाक कला के ना बहुत लोग प्रशंसक हैं। हाँ वो तो हैं, जिनमें कुछ ही बचे। पीजिए। रानी मुनमुन, ओहो, आपको तो खांसी भी है। कोई बात नहीं, इस अदरक और आम के रस से ना आपकी सारी खांसी चली जाएगी। परंतु महारानी तिरुमलम्बा, ये खांसी तो आपके इस रस को पीने के बाद ही आरंभ हुई है ना? महारानी जी की जय हो। महाराज धर्मपाल अपनी रानी से मिलना चाहते हैं। महाराज धर्मपाल, लेकिन वो तो तिरुपति के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना? देख कर सुनना, क्या हो गया मुनमुन जी को? क्या हो गया? कोई तुरंत जाकर वैद्य को बुलाए, देखो हमारी रानी को क्या हो गया। महाराज हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। आप तो तिरुपति के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना, तो यहाँ कैसे? हाँ, हम तिरुपति बालाजी के लिए जैसे ही प्रस्थान करने वाले थे, आपका स्मरण हो गया और हम विवश होके लौट आए। अच्छा हुआ ना रानी, आपको ऐसी अवस्था में जोड़ के हम नहीं गए। महाराज धर्मपाल जी, रानी मुनमुन बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी खांसी हुई है, वो शीघ्र ठीक हो जाएंगी। महारानी चिन्ना देवी जी, खांसी से कंठ खराब हो सकता, फिर बुखार आ सकता, फिर बुखार बढ़ सकता, और फिर क्या क्या हो सकता। महाराज हमें कुछ नहीं हुआ, अब तिरुपति के लिए निकलिए। ये मन्नत पूरी करने का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाइए, आपको मेरी सौगत। महाराजा धर्मपाल जी, आप यहाँ पर हैं? हम आपको हर जगह खोज रहे हैं, हमारे सैनिक हमारे घोड़े सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी के लिए प्रस्थान करना है कि नहीं? मित्र, हम प्रस्थान से पूर्व रानी को विदाई का भेंट करना भूल गया था, इसलिए वापस आया। जी अब तो भेंट हो गए ना, चलिए प्रस्थान कीजिए। इस विदाई का जुदाई हम कैसे सहता? राजा आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप वहां जाके वापस आता, आपकी रानी सुरक्षित रहता, अर्थात सुरक्षित रहती। महाराज जाइए, कृपया करके जाइए। देख कर सुनना, चलो महाराज, यहाँ इस दिशा में।
चल। मंडपे, मैं सोच रहा हूँ आज है क्या? आज ना तो मेरा जन्मदिवस है, ना ही हमारे विवाह की वर्षगांठ है। हाँ। तो फिर व्यंजनों और मिष्ठानों की इतनी बड़ी सेना किसका संकेत है? पता नहीं लामा, शालदा तू भी थी, कुछ लग रही थी। क्या? रामा, पत्नी का अकारण खुश होना उसके रुष्ट होने से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बंधु, सत्य कहता है तू। उठा लो उठा लो, जो व्यंजन जो मिष्ठान चाहिए जहाँ से चाहिए उठा लो। और फिर ग्रहण कर लो। परंतु उसके पूर्व तुम मुझे दो। क्या दो? कितना सब कुछ बनाया है, तुमने भी अपनी मांगों की एक लंबी सूची तो तैयार की ही होगी ना? नहीं, कोई सूची नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए, तत्पश्चात हम आपके पैर दबाएंगे, आपके सर की मालिश करेंगे। आप इतना कार्य करते हैं, थक जाते होंगे ना? ए बंधु। रामा, बलि देने से पूर्व बकरी की भी ऐसी सेवा की जाती है, भरपूर खिलाया जाता है, भोजन और मालिश। लेकिन मजा आ गया, मुझे तो शारदा के हाथ की मालिश चाहिए। तुझे अपनी मालिश की पड़ी है, स्वार्थी कहीं का, चुप कर। शारदा तुम्हें क्या चाहिए? हमने अभी तो आपसे कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं बस। ये बाल की खाल निकालने वालों में से है, तू इसे बता क्यों नहीं देती कि तुझे श्रीलंका की महारानी मुनमुन से मिलना है? अच्छा, अब आई ना बात समझ में, रहस्यों की देवी शारदा देवी, तो ये रहस्य था इस आयोजन का, क्यों? सुना है रानी बहुत सुंदर है, हमें उनसे भेंट करनी है। क्यों, तुम उनके रिश्तेदार हो या वो कोई संग्रहालय में रखी वस्तु है जिन्हें जाकर देखना है? हमें उनसे मित्रता करनी है, हमें उनसे भेंट करने लिए चलिए ना। तुम्हें पता है वो कौन है? वो महाराज के मित्र की पत्नी है, महाराज के मित्र की, कोई आवश्यकता नहीं है मित्रता करने की। अर्थात आप हमें उनसे मिलने नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, चल गुंडप्पे। ये देख गुंडप्पे, आ गई अपने बहू की रक्षक। क्या हुआ अम्मेश्वरी? निर्लज कहीं का। ऐसा हमने, अम्मा कह रही है शारदा तेरे लिए इतना कुछ करती है और तू है कि उसकी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ये तेरे साथ जाएगी तो तेरा सम्मान बढ़ेगा। अम्मा, ईश्वर की कृपा से मेरा पहले से ही बहुत सम्मान है। आए दिन दरबार से निष्कासित हो जाता है, समझ नहीं आता कि शाम को घर वापस आएगा या कारावास में बंद कर दिया जाएगा। छुपा हुआ धन और स्त्री का मन कभी कोई नहीं समझ सकता। कर लो अपनी इच्छा पूरी। हाँ, सच? परंतु हम ऐसी थोड़ी ना रानी से मिलने जाएंगे, हम तो तैयार होकर जाएंगे। अब आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम एक बार में तैयार होकर आते हैं। हम अरे एक प्रहर में तैयार होकर आएगी, अब एक प्रहर तक हम क्या करें? चला भोजन खाते। ये लीजिए रानी जी, इसे पीते ही ना आपकी खांसी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे घोड़े के सर से सींग। महारानी तिरुमलम्बा, घोड़े के सर से सींग नहीं, गधे के सर से सींग गायब होना ऐसी कहावत है। हाँ वही, गायब तो सींग ही होते हैं ना महारानी चिन्ना देवी। लीजिए महाराणी, पीजिए। अब क्या हो गया? मेरे सर में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है, ऐसे लग रहा है कोई कीले ठोक रहा हो। अच्छा, हम समझ गए, इसका भी उपाय है हमारे पास, हम अभी आते हैं। रानी मुनमुन, हम आपके लिए अभी राजवैद्य को बुलाकर लाते हैं। रुकिए,
महारानी चिन्ना देवी, कोई राजवैद्य की बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जामुन, हींग और हरी मिर्च का काढ़ा है ना, ये सब ठीक कर देगा। लीजिए। महारानी तिरुमलम्मा, हमें राजवैद्य को बुलवा लेने दीजिए। हमें भय है कहीं आपके इस काढ़े से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। महारानी चिन्ना देवी, आपको हमारे बनाए काढ़े पर तनिक भी विश्वास नहीं है? महारानी तिरुमलम्बा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आपके द्वारा बनाए गए इस काढ़े पर विश्वास नहीं है। क्या महारानी? हमारे कहने का तात्पर्य है कि रानी मुनमुन दूसरे देश से यहाँ आई है और प्रत्येक देश के नागरिकों का स्वास्थ्य वहाँ के जलवायु के अनुसार भिन्न होता है, और इस स्थिति में राजवैद्य ही हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि रानी मुनमुन को कौन सी औषधि देनी चाहिए, कौन सी नहीं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी मुनमुन हमारी राजकीय अतिथि है, इसीलिए हमें राजवैद्य को तो अवश्य ही बुलाना होगा। परंतु जब तक राजवैद्य आएंगे तब तक तो हमारा बनाया हुआ काढ़ा आपको आराम पहुंचा चुका होगा। लीजिए रानी मुनमुन, आप ये काढ़ा पीजिए। महारानी जी की जय हो। पंडित रामाकृष्णा और उनकी पत्नी आई हैं। उन्हें शीघ्र लेकर आइए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम पंडित रामाकृष्णा। क्या हुआ बड़ी महारानी जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। और ये रानी मुनमुन, ये क्या पी रही है? काढ़ा। काढ़ा, अर्थात छोटी महारानी जी का बनाया हुआ काढ़ा। भगवान, अब क्या होगा? मेरा सरदर्द चला गया, मेरी हिचकी भी चली गई, अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखा पंडित रामाकृष्णा, हमारे हाथों से बने हुए काढ़े का कमाल। महारानी मुनमुन। महारानी मुनमुन। महारानी, क्या हुआ महारानी जी को? महाराज, काढ़े ने अपना असर दिखा दिया, अर्थात महारानी मुनमुन काढ़े के प्रभाव में है। काढ़ा? महारानी तिरुमलम्मा, वो महाराज, रानी मुनमुन सरदर्द और खांसी से ग्रसित थी तो हमने उन्हें काढ़ा बनाकर पिला दिया, परंतु हमें ये समझ में नहीं आया कि इन्हें चक्कर क्यों आया। महाराज, जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो टुनटुना बाजे। पंडित रामकृष्ण, आपके कहने का अर्थ क्या है? महाराज, कहने सुनने का समय नहीं है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी राजवैद्य को बुला कर लाता हूँ। अभी आया। रानी मुनमुन, रानी मुनमुन, महाराज, प्राणी की स्थिति ऐसी है जैसे इन्हें कोई गहरा मानसिक आघात लगा हो। महाराज, हम अपनी अलौकिक शक्तियों से ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि यदि रानी को कोई आघात है तो क्या है। राजवैद्य जी, आप कृपा करके रानी मुनमुन की चेतना वापस ले आए, उसके उपरांत स्वयं इनके मुख से इनके आघात के विषय में जाना जा सकता है। हमें भली भांति ज्ञात है कि इन्हें किस बात का आघात लगा है। महारानी तिरुमलम्बा, जी हाँ, हम आप ही से कह रहे हैं कि जो आपकी ये बनाने की वो बनाने की हट है ना, हम कहते हैं अभी इसी क्षण आप भूल जाइए। क्या आपको ज्ञात है कि आप जो भोजन बनाती हैं, जो विशेष व्यंजन बनाती है, वो कितने आघातपूर्ण हो सकते हैं? किसी जहरीले रसायन से कम नहीं है वो। हम तो आपके भोजन से किसी ना किसी तरह बच जाए, परंतु अब तो आपके भोजन के कारण लोगों को मानसिक आघात भी होने लगे हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आज के पश्चात आपने किसी को भोजन तो किया, जल तक देने का दुस्साहस किया है ना, तो हम कह देते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, आप हमें ये सब कुछ कह रहे हैं? हमें? हमने कहा राजवैद्य जी, ये महारानी मुनमुन दूसरे देश से आई है ना, संभवतः यहाँ की हवा पानी और महल का जो भोजन है उससे भी हो सकता है स्वास्थ्य खराब हुआ। महाराज, ये जलवायु परिवर्तन और भोजन परिवर्तन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, क्यों राजवैद्य जी? जी महाराज, तथाचार्य जी सत्य कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो जब तक रानी मुनमुन हमारी अतिथि है, ये केवल और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, और
इस सात्विक भोजन का दायित्व हम देते हैं पंडित रामकृष्ण को। हाँ महाराज, हम स्वयं अपने हाथों से सात्विक भोजन तैयार कर देंगे। इसी प्रकार इस प्रकार सबको ज्ञात हो जाएगा कि शारदा कितना अच्छा सात्विक भोजन बनाती है। अब आपको हमें महल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही आ जाएंगे रानी मुनमुन का भोजन लेकर। महाराज, माता रानी की कृपा से औषधि ने काम किया है, रानी की चेतना लौट आई है। महाराज अब जोखिम खत्म। रानी मुनमुन, अभी आप कैसा अनुभव कर रही हैं? अद्भुत, अद्भुत। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए। ये रण क्षेत्र नहीं है, ये राजमहल है और हम आपके अब अर्थात हम सब आपके मित्र हैं। रानी मुनमुन, हमें आपको इस प्रकार देख के अत्यधिक पीड़ा हो रही है। यदि आपके हृदय में कोई ऐसी बात है जो आपको पीड़ा दे रही है तो कृपया कर हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुश्मनों को ना प्रेम के साथ, युद्ध ही धर्म है, युद्ध ही कर्म है। रुकिए रानी, रुकिए रुकिए, हमने आपके असली शत्रु को खोज निकाला है। आइए इसका वध कीजिए और अपनी तलवार की प्यास शांत कीजिए। जोखिम समाप्त हो गया है, यही कहा था ना, अब होगा जोखिम समाप्त जब रानी की तलवार तुम्हें जीवन समाप्त औषधि का सेवन करवाएगी। आइए महारानी, मारिए। महारानी जी, महारानी मुनमुन, यदि साहस है तो मुझसे टकराओ, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। पंडित रामकृष्ण क्या कर रहे हैं, क्यों ओखली में सर डाल रहे हैं? रुकिए मंत्री बार, आइए। हे भगवान, महाराज रानी एकाएका ढूंढना हो गई। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत, क्या सूझबूझ से काम लिया आज आपने। जी महाराज, कभी कभी सामने वाले के क्रोध और बल का उपयोग उसी के विरुद्ध करने से विजय अपनी होती है। रानी को दौरा पड़ा है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रानी मुनमुन व्यक्तित्व परिवर्तन विकार से पूर्व पीड़ित है, मेरे विचार से इन्हें विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। आज तो ये योद्धा बन गई है, कल ना जाने कौन सा रूप धारण कर ले। उठाइए उन्हें। हमारे लिए तो यही संतोष की बात है कि महाराज इस वक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हमने उन्हें वचन दिया था कि हम उनकी रानी की देखभाल करेंगे, वो इस समय यहाँ पर होते तो हमारे विषय में क्या सोचते हैं। महाराज, मेरे विचार से रानी मुनमुन के स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए पूर्ण विश्राम ही उत्तम औषधि होगी और इनके विश्राम में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अब हम सबको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। रानी से मिलने की किसी को आवश्यकता नहीं, उन्हें एकांत में विश्राम करने दिया जाए। इनके समीप केवल दो दासियां रहेंगी। अब पंडित रामकृष्ण, भोजन आपके आवास से आएगा। रात्रि बहुत हो चुकी है,
हम सबको प्रस्थान करना चाहिए। महारानी जी की जय हो। रानी जी, क्या आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? क्या आप किसी अन्य सेवा की इच्छुक हो? क्या तुम्हें मेरे आभूषण चाहिए? क्या आपके आभूषण? बदले में सिर्फ अपने वस्त्र देने होंगे। अरे पोटली उठाई हुई तो है, अब क्या तुम्हें भी उठा लूं? अरे नहीं, हमें नहीं, अपने कदम शीघ्रता से उठा लो ताकि हम ये गर्म भोजन रानी तक पहुंचा सके। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। महाराज ने हमें केवल भोजन बनाने के लिए कहा था, उसे उठाकर यहाँ लाने के लिए नहीं कहा था। और वैसे भी महाराज केवल आप ही को वेतन देते, इसीलिए इसे उठाकर आप ही को लाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, कितनी शीघ्रता से तुमने मुझे स्वामी से सेवक बना दिया। नहीं, समय अनुसार व्यक्ति का सही उपयोग करना ही कुशलता कहलाता है, अभी आप ही ने हमें सिखाया था। अभी देखना, कुछ ही क्षण बाद महारानी अपने मुख से हमारी प्रशंसा करेंगी। आप अपने कानों से सुन लेना, जब वो हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे, देखना हमारा खाना वो श्रीलंका भी मंगवाएंगे। ओह शारदा महोदया, इतनी दूर का मत सोचो, श्रीलंका तक तुम्हारा भोजन पहुँचते पहुँचते खराब हो जाएगा। अम्मा सही कहती है, आपका जन्म लोगों की त्रुटियां निकालने के लिए हुआ है। ठीक है ठीक है, चलो। अब रानी मुनमुन अपने कक्ष में ही है ना? हाँ। विश्राम तो नहीं कर रही? हम उनके लिए भोजन लेकर आए हैं। आप उनके कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो, चलो। रानी जी, रानी मुनमुन जी, कहाँ हैं आप? हम शारदा, पंडित रामकृष्ण की पत्नी, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। ये रानी जी कहाँ गए हैं? रानी जी कुछ समय पूर्व ही अपने कक्ष से बाहर गई हैं। अच्छा, रामा, रानी अपने कक्ष से कहीं बाहर चली गई हैं। क्या? हे भगवान, रानी का कक्ष से बाहर जाना उचित नहीं है, महाराज को सूचना देनी होगी। ये क्या सुन रहे हैं हम? इतनी व्यवस्था होने के पश्चात भी महारानी मुनमुन गायब कैसे हो गई? कहाँ जा सकती है वो? महाराज, महाराज हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु महारानी कहीं नहीं मिली। हे भगवान, महाराज की जय हो। महाराज, मैं स्वयं पहरेदारी पे था, एक ही दासी महल के बाहर गई थी, अन्यथा कोई नहीं। परंतु इस समय कोई दासी बाहर क्यों जाएगी? रानी के लिए किस दासी को नियुक्त किया गया था? दासी महोदया, शीघ्रता से इस प्रश्न का सटीक और सत्य उत्तर दें। महाराज, उन्होंने मुझसे दासी के कपड़े मांगे तो मैंने उन्हें दूसरी दासी के कपड़े दिए, उसके बदले में उन्होंने मुझे ये हार दिया। ये आभूषण? महाराज, इस दासी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। महाराज, हमें बिना समय गमाए सर्वप्रथम रानी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में रानी का महल से बाहर रहना हर क्षण एक नई विपदा को आमंत्रण देने जैसा है। दासी, आप जाएं। उचित कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, हमें शीघ्र ही। महाराज की जय हो। महाराज, राजा धर्मपाल वापस महल पधारे हैं और अपनी रानी से भेंट करने के इच्छुक हैं। नहीं नहीं महाराज, हमें राजा धर्मपाल को रोकना होगा। रोकना कैसे होगा? महाराज, धर्मपाल का अपनी अर्धांगिनी से मिले बगैर रहना असंभव है। नहीं महाराज, हमें ना केवल उन्हें रोकना होगा, अपितु उन्हें इस बात का भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि रानी इस समय महल से गायब है। सत्य कह रहा, यदि महाराजा को पता चल गया कि उनकी धर्मपत्नी यहां नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा, वो युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। हाँ महाराज, महाराज राजा धर्मपाल आपके मित्र हैं, यदि वे किसी की बात पर विश्वास कर सकते हैं तो वो केवल आप ही हैं। हम? आप कृपया करके उन्हें नियंत्रण में रखें, मैं देखता हूँ कि रानी को कैसे ढूंढा जा सकता है। अच्छा ठीक है,
हम प्रयास करते हैं, परंतु पंडित रामकृष्ण आप लोग भी कुछ कीजिएगा, महारानी मुनमुन को शीघ्र अति शीघ्र ढूंढ निकालेगा। हम चलते हैं। पंडित रामकृष्ण, वो रानी को खोजने में तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता तो अवश्य पड़ेगी। नहीं मंत्रीवर। मंत्रीवर, मेरे पास एक योजना है। हाँ, बोलो बोलो, क्या योजना है? उचित समय आने पर आपको अवश्य बताऊंगा गुरुवर। आइए मंत्रीवर। उचित समय, शीघ्र बताइए योजना क्या है। सर्वप्रथम हमें उस कक्ष में जाना चाहिए जहाँ रानी विश्राम कर रही थी, और उस दासी को भी बुलवाइए। हाँ जी जी, आइए। ये पंडित रामकृष्ण की योजना क्या है? धनी मनी को तो सब ज्ञात है गुरुजी। हाँ तो बताओ, शीघ्र बताओ। यही गुरुजी, सदियों की भांति आपको हमेशा नीचा दिखाना और प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त करना। पंडित रामकृष्ण, तुम भूल रहे हो, जो हमसे चतुराई करता है उसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अब देखना, हम तुम्हारी योजना में सम्मिलित भी हो जाएंगे और किसी को बनक तक नहीं लगेगी। और इस बार शेर का सेहरा हमारे सर पर बंधेगा। हमारे ये मित्र हमसे गले मिल नहीं रहे हैं, अभी तो हमारे गले पड़ रहे हैं। हे भगवान, विजयनगर का सम्मान अब आपके हाथों में है। मित्र, कितने प्रसन्न हैं हम आपको देखकर कि जितने समय में कोई एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति तिरुपति पहुंच भी नहीं सकता है, उतने समय में आप वहां जाकर पुनः वापस लौट भी आए। महाराज कृष्ण देव राय अब तिरुपति पहुंचा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? गलत दिशा में चले? नहीं। तो फिर लौट क्यों आए? जैसे ही हमें चित्तूर पहुंचा, रास्ता भटक गए। नहीं महाराज, एक देख कर सुन्ना हो गया, बहुत जोर से आया। क्या तूफान? नहीं मित्र, हमारे महाराज को ना बहुत जोर से रानी मुनमुन की याद आई और स्मरण हुआ कि रानी से पूछा तो भूल ही गए कि बालाजी से क्या क्या उपहार लेके आए, तो पूरे दल को वापस लौटने का आदेश दे दिया। बस इतनी सी बात? नहीं मित्र, बहुत बड़ी बात होता। प्रस्थान से पूर्व भी हम रानी को विदाई का नमस्कार ठीक से नहीं कह पाया था। तो यदि आप अपनी मन्नत पूरी करके आते तो हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, हम रानी मुनमुन को ढोल नगाड़ों के साथ आपके साथ विदा करते। परंतु आप बात को समझ नहीं रहे हैं। ये जो पूजा होती है, मन्नत होती है, ऐसे शुभ कार्यों का एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, वो समय निकलना नहीं चाहिए। मित्र मित्र, आपका शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त वापस आ सकता है, लेकिन रानी के बिना व्यतीत पीड़ादायी क्षण कदापि वापस नहीं आना चाहिए मित्र, इसलिए हम वापस आ गए। परंतु महाराज, मित्र आप हमारी दर्द को हमसे दो गुना अधिक समझते। दो गुना? हाँ मित्र। वो कैसे? हमारा एक रानी मित्र, आपका दो दो रानी, इसलिए आप हमारा कठिनाई दो गुना अधिक समझ सकते हैं मित्र। हाँ मित्र, अवश्य समझ सकते हैं, परंतु अब तो बहुत विलंब हो गया, क्या कर सकते हैं? किया जा सकता है मित्र। बस मित्र आप हमें ये बताएं कि हमारी रानी मुनमुन महल के किस कोने में है? देखना मित्र, रानी को देखते ही हम एक देख ठंडा, मतलब चैन आ जाएगा। मंत्रीवर, आप दासी महोदया से कहिए कि रानी मुनमुन के जो आभूषण और वस्त्र इनके पास हैं, उन्हें धारण करके उल्टा मुंह करके बिस्तर पर लेट जाएं और किसी के बुलाने पर भी मुड़कर ना देखें। हाँ? अर्थात रानी जी का वेश बनाकर। हाँ, हाँ। महामंत्री जी, ये वस्त्र और ये आभूषण लेने के लिए रानी जी ने हमें विवश किया था। जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, अन्यथा हम आपको दंड देने के लिए विवश हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। आइए पंडित रामकृष्ण। दासी रुको। दासी, ये कपड़े और आभूषण लिए क्यों खड़ी है? दासी, ये सब क्या है?
बताओ योजना क्या है? वो महाराज आएंगे तो ये कपड़े और ये आभूषण उन्हें। समझ गए, पंडित रामकृष्ण की ये योजना है। वस्त्र और आभूषण हमें दो और शीघ्र यहां से निकलो। गुरुजी, रानी जी तो कब का यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। अब वापस मरे हुए सर्प को लेके करेंगे क्या? मूर्खो, गायब हुई रानी की अंतिम निशानी, हम उन्हें कहेंगे कि रानी तो घूमने गई है और राजा धर्मपाल इन वस्तुओं और आभूषण को रानी की याद समझकर अपने हृदय से लगा लेंगे। परंतु हाँ, ये सब हम स्वयं लंका नरेश तक पहुंचाएंगे और ये सब देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे और हमें पुरस्कार देंगे। परंतु गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि पंडित रामकृष्ण की यही योजना है? अवश्य अवश्य। वो कहावत है ना कि कभी कभी भागते भूत की लंगोट भी काम आ जाती है। वो तो ठीक है गुरुजी, किंतु इतना ध्यान रहे कि कहीं इस चक्कर में आपकी स्वयं की भी लंगोट सुरक्षित ना रहे। बुला रहे। सही कहा ना गुरुजी मेरे। मूर्ख, पंडित रामकृष्णा, अब देखिए आगे क्या होता है। महाराज धर्मपाल, रानी मुनमुन बड़ी महारानी और छोटी महारानी जी के साथ ढेर सारी बातें करके और घूम के थक गई हैं। उन्हें गहरी निद्रा से उठाना उचित नहीं होगा। जी, और जब तक आप तिरुपति होकर पुनः लौट कर आएंगे तब तक वो निद्रा से जाग भी जाएंगे। हाँ, मन्नत और निद्रा दोनों पूरी हो जाएगी। जी हाँ, एक तीर दो निशान, मन्नत और निद्रा। निद्रा आना जाना अब जब रानी की एक झलक देखे बिना नहीं होगा। पित्र, 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 अब महामंत्री जी, महाराज, महामंत्री जी, हाँ। शरबत का प्रबंध कीजिए। जी 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 अवश्य। मित्र, तासी, आचार्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों महामंत्री जी, आपकी और पंडित रामकृष्ण की योजना अनुसार यहाँ पंडित रामकृष्ण को होना चाहिए था, है ना? परंतु आप भूल रहे हैं, हम सर्वज्ञानी राजगुरु हैं, हमसे कुछ छिप नहीं सकता। अरे अरे आचार्य, हमने और पंडित रामकृष्ण ने आपको दूर रहने को कहा था ना, कर दी ना गड़बड़ है? अर्थात? अरे अर्थात हम ही ने उस दासी को रानी मुनमुन जी के वस्त्र और आभूषण पहनकर मुंह ढककर सोने को कहा था। ऊपर से महाराज कृष्णदेव राय और महाराज धर्मपाल यहीं पे आ रहे हैं। वैसे वो दासी कहाँ है? दे दे दे, वो दासी, दासी तो हमारे गुरुजी ने भगा दिया, पहले ही भगा दिया दासी को तो। क्या? हाँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने आचार्य? महारानी मुनमुन जी को न पाकर महाराज धर्मपाल अवश्य युद्ध की घोषणा कर देंगे और तो और इस युद्ध का कारण बनेंगे आप। नहीं, नहीं, नहीं। और उसके उपरांत महाराज कृष्णदेव राय आपको कठोर से कठोर दंड देंगे। और यदि आपको इस दंड से बचना हो तो आप ही को कुछ ना कुछ करना होगा। अरे महामंत्री जी, भगवान, ये हमने क्या कर दिया? अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? गुरुजी, इस परिस्थिति से बचने का बस अब एक ही उपाय है। क्या? क्या? आपको स्वयं आपको रानी का रूप धारण करके बिस्तर पर लेटना होगा। अरे चुप मूर्खो, हम स्त्री का रूप धारण करेंगे? हम महागुरु राजगुरु तथा चारे हैं। गुरुजी, इसीलिए तो करना ही कार्य है, वरना काल कोठरी में जाना अनिवार्य है। गुरुजी शीघ्र कीजिए, आपके पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मित्र, मित्र, महाराज, महाराज धर्मपाल की जय हो। महाराज, शरबत आपके लिए। शरबत? अरे ग्रहण कीजिए महाराज। हो गया। महाराज धर्मपाल, एक और हमारी तरफ से।
महाराज, हम अभी आते हैं। हो गया, आ जाले। नहीं नहीं, एक मेरी तरफ से भी महाराज। अरे अरे, लीजिए 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 लीजिए। हो गया, चले अब। नहीं 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 नहीं, आपने महामंत्री की बात सुनी, आपने पंडित रामकृष्ण की बात सुनी, अब आपका हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। मित्र एक हमारी तरफ से। हाँ। स्नेह बढ़ेगा मित्र। पीछे। हाँ। हो गया, अब चले। अब तो चलो चलो चलो, आराम से आराम से। हम उद्यान उद्यान में चलते हैं, बहुत अद्भुत उद्यान। महामंत्री जी, मित्र देखा मित्र आपने, रानी मुनमुन कितनी शांत निद्रा में सो रही है। हमें सोता हुआ सपने में भी अपनी रानी को देखता प्रतिदिन, परंतु आज हमारा रानी अधिक मोटा अधिक छोटा लगता। हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा महाराज। वो कहे कि हमारे विजयनगर का जल वायु और भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है ना मंत्री भाई? अवश्य अवश्य, कुछ कुछ ही समय में किसी का भी स्वास्थ्य बढ़ जाता है, इसलिए छोटा दिखने लगता है। वाह, हमारा रानी के हेतु जो अच्छा वो दुनिया में सबसे अच्छा होता। हाँ। मित्र धर्मपाल, आप तो आपने आपकी महारानी मुनमुन को देख लिया है, अब आपको शीघ्र अतिशीघ्र तिरुपति के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मित्र, हमें तिरुपति अवश्य जाता, परंतु पहले अपना पत्नी व्रता धर्म निभाता, बस एक बार रानी को अपने गले लगा लेता तो चैन आता। रुके रुके महाराज, क्या है कि महारानी गहरी निद्रा में है, उनकी नींद टूट जाएगी। सत्य कहा रामा, परंतु माथे पे एक चुम्बन तो हो सकता। सोता हुआ भी हमारा रानी कितना सुंदर और मासूमियत का चित्र लगता। रामा, हम रानी के सर पे हाथ फेरा तो हमको ऐसा लगा जैसे उनके सर पे बाल नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु अपने हाथों का दोष आप महारानी जी को नहीं दे सकते, है ना? पंडित राम, आप ठीक बोल रहा, हमारा यहाँ तो में खराबी है, हमारा रानी में कोई त्रुटि नहीं हो सकता। शीघ्र कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण जी, अन्यथा आज तो हमारे गुरु जी का धर्म भ्रष्ट होते ही रहेगा। हमारे गुरु जी विजयनगर में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे, कुछ कीजिए। रुकिए महाराज, अनर्थ हो जाएगा यदि आपकी चेष्टा से महारानी आधी निद्रा से उठ गई तो सोचिए क्या होगा। आप ही ने बताया था ना कि उन्हें व्यक्तित्व परिवर्तन विकार है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। पंडित राम कृष्ण, आपने रानी का आंख खोलने से पहले हमारा आंख खोल दिया, पहले भी आधी नींद से उठ गई रानी ने रूप धारण किया था। हाँ? महाराज कृष्ण देव राय, मित्र हो तो आप जैसा, अब हम निश्चिंत हैं कि हमारी रानी यहाँ पे स्वस्थ है, सुरक्षित है। अब हम बिना विलंब किए
तिरुपति के लिए प्रस्थान करेंगे। इक्का दुक्का ढूंढना, एक्का डेक्का ढूंढना। पंडित रामकृष्ण अद्भुत अद्भुत, आपने न केवल आज हमें बचा लिया है अभी तो हमारे दोस्त की भी आंखें खोल दिया आपने। आचार्य आप गुरुवर, आचार्य आप इन परिस्थितियों में इस अवस्था में यहां क्या कर रहे हैं? फंस गए थे महाराज हम। हमारा कहने का तात्पर्य है हमारा विजयनगर फंस गया था महाराज, और दासी भी ना जाने कहां चली गई थी, तो हमसे रहा ना गया। हमने रानी के वस्त्र और आभूषण धारण किए और मोर्चा संभाल लिया और पंडित रामकृष्ण की योजना को सफल बना दिया हमने। महाराज वो महाराज आपको तो भली भांति ज्ञात है हमें राज्य की कितनी चिंता रहती है। आज जब बलिदान की घड़ी आई तो हमने अपने कदम पीछे नहीं खींचे महाराज। अद्भुत गुरु अद्भुत, आज आपने अनर्थ होने से बचा लिया। धन्यवाद महाराज। बस अब रानी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यक्का दुक्का ढूंढना, एना डेना डुक्का आ गया। अब महाराज धर्मपाल की जय हो। लंका नरेश धर्मपाल हैं? ये का देखा तो ना, ये क्या गुरु वाला, क्या भेज ये? व्यक्तित्व परिवर्तन विकार है। हाँ इन्हें भी क्या बताऊँ राजा धर्मपाल, क्या है कि हमारे गुरुवर के मन में औरतों महिलाओं के लिए इतना आदर और सम्मान है कि कभी कभी तो वो उनके वस्त्र पहनकर स्वयं उनके भांति व्यवहार करने लगते हैं। क्यों गुरुवर? हाँ व्यवहार करके दिखाइए। अरे दिखाइए। हाँ हाँ अच्छा बस। वैसे मित्र आप हमें एक बात बताइए, आप यहाँ से तिरुपति जाने के लिए कितनी बार रवाना हो गए? हाँ नहीं आप हमें सत्य बताइए, क्या महारानी मुनमुन ने ऐसी कोई भी मन्नत मांगी है जिसे आपको वहां जाके पूरा करना है? हाँ। रानी को प्रेम क्या होता वो आप अच्छे से समझता। जानते हैं हमारी तो दो तो है। हमारी भी तो दो है। नहीं बस एक बार रानी से हम उनसे मिलकर पूछ ले कि उनको तिरुपति से क्या क्या उपहार चाहिए, फिर हम अपने हृदय में एक विशाल पत्थर रख तिरुपति के लिए प्रस्थान कर जाएगा। मित्र जब महारा जब महारानी अपनी मीठी मीठी निद्रा पूरी कर ले तब हम स्वयं उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए वहां तिरुपति से, फिर हम किसी संदेश वाहक को भेजकर आपको वो संदेश पहुंचा देंगे, परंतु आपको इसके लिए जाना होगा तभी ये सब संभव हो पाएगा। चाहिए ज्यादा है एक देख कर सुनना, हमारा रानी इतना बदला कैसे हो गया? वो क्या है ना कि लंका राजा जी वो रानी सात्विक भोजन कर रही है, तो सात्विक भोजन जो है वो शीघ्र पच जाता है इसलिए वो पतली हो गई। हाँ, क्या है ना राजा धर्मपाल कि प्रेम वश तो हर माँ को अपना पुत्र सदैव पतला ही लगता है। उसी भांति आपको भी प्रेम वश आपकी पत्नी सदैव पतली लगती है। क्यों यज्ञ पंडित राम संभवतः आप सही कहता, महाराज मित्र आपके राज्य में हम निश्चिंत हैं, अब हम तिरुपति जाकर ही रुकेंगे। हाँ।
भगवान। मनी, आपने आज सूझबूझ का प्रदर्शन किया, डूबते को तिनके का सहारा देकर बचा लिया। अद्भुत गुरुवर, आपके शिष्य भी अद्भुत हैं। वैसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र महारानी को खोज निकालना होगा, वो भी महाराज धर्मपाल के पुनः लौट आने से पहले। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट ये घोषणा करते हैं हम आप सभी के समक्ष ये घोषणा करते हैं कि जो भी महारानी को सर्वप्रथम ढूंढ कर लाएगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अरे हमारे प्रिय शिशु मिली। हाँ गुरुजी मिली। देखा देखा, हमने कहा था ना वरुण माल, हमारे शिष्य तेजस्वी है। हमें तो लगता है भगवान शिव ने स्वयं हमें ये दिए हैं। जी स्वामी, जैसा गुरु वैसे ही शिष्य हैं। हाँ बताओ बताओ धनी मनी। हम जहाँ जहाँ भी जाते थे आपका नाम वही वही लेते थे, वही वही हमें मिली। अच्छा, हमारे नाम की कीर्ति ही ऐसी है। परंतु हमें ये बताओ, तुम उसे यहाँ आवास पर क्यों नहीं लाए? गुरुजी, हम तो चलते चलते थक गए थे, इसलिए रास्ते में खा लिया। क्या खा गए? परंतु कैसे? वो क्या है ना गुरुजी, हम जहाँ जहाँ भी जाते थे आपका नाम लेते थे, भिक्षा मांगते थे, आपका नाम लिया भिक्षा मिली खा गए, आपका नाम लिया भिक्षा मिली खा गए, आपका नाम लिया भिक्षा मिली खा गए। चुप, पैर वाले गधों, हम रानी मुन्नू की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है बोला ना गुरुजी, हमने रानी जी को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा इतना ढूंढा। ये देखिए, ये देख, ये देखिए, हमारा खड़ा भी टूट गया, देखिए ध्यान से देखिए, रानी कहीं नहीं मिली, नहीं मिली गुरुजी। अरे तुम गधों से कोई भी आशा करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। हमें सोचने दो, रानी को खोजकर पुरस्कार कैसे प्राप्त करें? इसमें सोचना क्या है गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपका खेल कर देगा, सारा पुरस्कार वही लेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। परंतु स्वामी, आपको कुछ भी ढूंढने की क्या आवश्यकता है? आप तो जिसे चाहे उसे प्रकट कर सकते हैं। अच्छा कैसे? स्मरण कीजिए स्वामी, हमारा वो सोने का हार जो खो गया था, याद है आपको? आपने कैसे मंत्र उच्चारण करके भस्म फेंका था और चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया था, और धुआं छटते ही वो हार सामने था। हम अभी आते हैं। हमने कभी कुछ ऐसा किया था? बुढ़ा फिर से भूल गया। अरे तो याद दिला देना। गुरुजी आपको याद नहीं, अपनी परम भक्त सुदामिनी देवी के घर आप कैसे टांग पर दौड़ते हुए गए थे तिन मनाते हुए? और गुरुजी आपको यह भी याद नहीं कि आपने उन्हें भेंट चढ़ाया हुआ, अर्थात भेंट किया हुआ गुरु माता का हार उनसे लेकर गुरु माता को लाकर वापस दे दिया था? कुछ याद ही रहता आपका गुरु? चुप मूर्खो, हम चिंतित, पता नहीं रानी किस हाल में है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। ये लीजिए स्वामी, ये लीजिए भस्म, और अपने मंत्रों की शक्ति से उस रानी को बुला लीजिए। लीजिए स्वामी। भस्म ठीक नहीं। नहीं नहीं स्वामी, ये पूर्णतः ठीक है, ये हमने पिछली बार वाली भस्म से ही शेष बचाया है। नहीं, अच्छा ठीक है, लाइए। ओम ओम गुरुजी, और भूखिए और भूखिए। आइए आइए रानी मुनमुन, आप सही स्थान अर्थात हमारे निवास पर पधारी। शिष्यों शिष्यों, देखो देखो हमारे प्रभु की महानता, अपनी अपनी शक्तियों से उन्होंने रानी को प्रकट किया है और कह रहे हैं आप पधारी हैं।
श्रेय भी नहीं लेना चाहते हमारे स्वामी। धन्य है आप, धन्य है। कौन मुनमुन? अपने अम्मा को भूल गए तुम? हे अम्मा, कौन सी अम्मा, कैसी अम्मा? हमारी एक ही अम्मा थी और हमारी अम्मा को गुजरे तो वर्षों गुजर गए। आप हमारी अम्मा नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है आप हमारी अम्मा? पाखंडी, जीते जी तुमने अपने अम्मा को मार दिया। ये देख मेरे हाथ में क्या है। ये छड़ी है? ये छड़ी नहीं, ये तेरी अम्मा का शस्त्र है। इसे भी भूल गया तू? अरे इसको रानी ने बना दिया, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसका मार रही है हमको। गुरुजी, आपका मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? हाँ, तो गुरुजी उपयोग में कब लाओगे? भूल गए पंडित रामाकृष्ण ने क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, पंडित रामाकृष्ण ने कहा था आवश्यकता से अधिक मस्तिष्क का उपयोग हानिकारक होता है। गुरुजी भूल जाए कि पंडित रामाकृष्ण ने क्या कहा था? ये याद रखिए कि रानी विक्षिप्त नहीं, व्यक्तित्व परिवर्तन विकार से ग्रस्त है। हाँ, व्यक्तित्व परिवर्तन विकार। हाँ, ये तो पंडित रामाकृष्ण ने कहा। गुरुजी, अब आपको ये भी स्मरण है कि ये रानी नहीं है, ये आपकी अम्मा है। अम्मा? अच्छा, हाँ, किसने कहा? हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? गुरुजी, इन्हें अभी अम्मा बने रहने दीजिए। क्यों बने रहने दे? गुरुजी, यदि रानी को ना महल में यानी दरबार में ले जाने में कामयाब रहे तो पूरा का पूरा जो पुरस्कार है आपको ही मिलेगा। अम्मा, अम्मा, हमारी अम्मा। स्वामी, आप महान हैं। आपने अपने शक्ति द्वारा सास को रानी के रूप में पुनः जीवित कर दिया। अब हम उनकी वो सारी सेवा करेंगे जो पहले नहीं कर पाए थे। हम जल्द पान से आरंभ करते हैं। हमारी जननी, हमारे पिता की धर्मपत्नी, याद आ गया? कैसी है हमारी अम्मा? चल वहाँ बैठ और हाथ दिखा। चलो हाथ दिखा। नहीं, हम हाथ आगे नहीं करेंगे। गुरुजी, गुरुजी, जितनी अधिक आप मार खाओगे उतना ही अधिक आपको पुरस्कार मिलेगा। खाते ना, खाते ना। अम्मा, ये बहुत बड़ा हो गया है ना? ये बता, पूजा पाठ में कितना ध्यान है तेरा? अम्मा, आपको पता है हम राज दरबार में राजगुरु बन गए। चलिए हमारे साथ राज दरबार चलिए और देखिए देखिए हमारे समक्ष कौन कौन झुकता है। अरे, कौन कौन हमारे सामने झुकता है? सदैव दूसरों की झुकने की बात करता है। राजगुरु बन गया, मानवता का पाठ तो भूल ही गया है। पाठ से याद आया, वो कविता के बारे में बताया था, वो याद है तुझे? कौन सी कविता? अच्छा, वो कविता अत्यंत सुंदर थी, नाजुक थी, कोमल थी। पड़ोसी की कविता के बारे में नहीं बात कर रही, सुनने सुनाने वाली कविता की बात कर रही जो तुझे प्रातः काल में सिखाई थी। प्रातः काल में कविता सुना? अम्मा, ये कविता पाठ छोड़ो, हम आपको वो ब्रह्मांड के ज्ञान का पाठ सुनाते हैं। एक कविता याद नहीं रहती, ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाएगा। चल मेरे साथ दोहरा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी में तैरती खो जाएगी। चल सुना, चलो उस दीवार पे खड़े होके पूरी कविता सुना। हम नहीं खड़े होंगे। गुरुजी, 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 कविता बोल दो, केवल कविता बोलने को ही तो कह रही है। कविता बोलते बोलते बीच में दो चार मंत्र भी फूंक देना, ये चेत हो जाएगी, हम इन्हें लेके महल चले जाएंगे। आपका काम हो जाएगा गुरुजी। अच्छा, हम खड़े होते हैं। हम मारना नहीं, हम बोलते हैं। अब मछली मेरी नानी है, जीवन मेरा पानी है। तत्थु गलत बोल रहे हो। हाँ, रानी जी, मतलब अम्मा, अम्मा, हमारे गुरुजी एकदम सही कहते हैं। जब से इनके जीवन में पंडित रामा आया है, तब से इनका जीवन पानी पानी हो गया है। गुरु जी, ठीक से सुनाइए ना, और आपके चक्कर में मुझे मार खानी पड़ रही है। मछली में ही पानी है, सौदामिनी मेरी रानी है। एक साधारण कविता आती नहीं, राजगुरु कैसे बन गए? मछली में ही पानी है, जीवन उसका मनमानी है, पास जाओ तो सो जाती है, हाथ लगाओ तो खो जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई, जल बिना मछली और कविता बगैर हमारे गुरु जी। तत्थु बेटा,
अम्मा आजा, यहाँ आजा। अम्मा, अम्मा, बहुत लगी अम्मा। अच्छा, बहुत लगी तुझे? इधर आजा, इधर खड़ा आजा। सब ठीक हो जाएगा, इधर खड़ा आजा। जब तक इसे दंड नहीं मिलेगा ना, तब तक ये सुधरेगा नहीं। उठक बैठक करो। नहीं नहीं अम्मा, नहीं मम्मा, नहीं उठक बैठक नहीं। उठक बैठक से वो पाचन बिगड़ जाता है। तुम उठक बैठक करोगे और वो भी 100 तक, मैं गिनूंगी। चल शुरू हो जा। कर लो गुरुजी, कर लो। महाराज का पुरस्कार पाने के लिए उठक बैठक ही तो कर ली है, कर लो। चल शुरू हो जा। एक, दो, तीन। नहीं, आप कीजिए। चलिए चलिए, नीचे बैठिए। फिर नीचे बैठिए। दो, तीन। नीचे बैठिए। तीन। ठीक से करिए। हाँ, फिर उठिए अच्छे से। हाँ, चार। आप क्या कर रहे हैं स्वामी? वो क्या है ना गुरु माता, आपकी प्रिय सासू माँ ने हमारे गुरुजी को दंड दिया है। वो कहती है जब तक गुरुजी उठक बैठक नहीं करेंगे वो दरबार में नहीं जाएंगी। तो अम्मा है कहाँ? कहाँ गई, किधर गई हमारी अम्मा, अर्थात लंका की रानी, अर्थात हमारा पुरस्कार? गुरुजी आपको मुर्गा बना के मुर्गी फुर्र हो गई। हम पुनः प्रकट करेंगे। रानी मुनमुन को किसी भी तरह ढूंढना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्यों, किस प्रयोजन से? विजयनगर में डाकू घुसा है। डाकू? हाँ, गुंडप्पा ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पूरी विजयनगर में भगदड़ मच गई है। अलावा मैंने देखा दातू, दातू ने दातू लानी है, वो भी अकेले उतने दिलों में तो भी तेते नहीं है। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ये डाकू रानी मुनमुन तो नहीं। रामा, तू तो बड़ी दूर की सोच रहा है। संभवतः मेरा अनुमान सच है बंधु। गुंडप्पे, वो दिखने में कैसी थी? मैं तब्दील आने बादल में डाल आता, वहाँ पे मैंने उसकी एक झलक देखी थी। धोले पल सवाल थी, माथे पल काला टीका था, और हाथ में ताबुक थी। कितने कितने अवसर दिए मैंने तुम्हें सुधरने के, लेकिन तुम लोग बात नहीं आते। डाकू रानी ज्वाला देवी का अपमान किया है तुम लोगों ने। गिरोह के काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे पास प्रत्येक दिन यहाँ आने का समय नहीं है। बड़े ही दायित्वहीन और कामचोर लोग प्रतीत होते हैं। तुम लोगों के पास कुछ अनुशासन है कि नहीं? भला तुम लोगों के साथ एक डाकू रानी जीवन कैसे निर्वाह करे? आए! आए ज्वाला, बंद करो अपने मुख से मंगल ज्वाला का निकालना। सार्वजनिक तौर पे विजयनगर में ऐसा करना काला कारनामा माना जाता है, और इसके लिए मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, कारावास में बंद कर सकता हूँ। ये क्या उपदेश दे रहे हो? साफ साफ कहो कि तुम्हें तुम्हारा भाग चाहिए। कहा बसा नहीं और भिखारी आ गए। क्या कहा? भिखारी? मैं विजयनगर का नगर कोतवाल हूँ, और तुम्हारी सुदंडता के लिए मैं तुझे अभी बंदी बना सकता हूँ। बचाओ, बचाओ सैनिको, अरे भाग गए क्या? असली जग की रानी है, जग की नहीं किसकी रानी है,
मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यही उसकी कहानी है। अम्मा को सुनानी है और मार नहीं खानी है, और मार नहीं खानी है। गुरुजी, यदि अपनी आंखें साथ लाएं तो दोनों आंखों से देखिए, ये आपकी अम्मा नहीं है, डाकू ज्वाला देवी है, डाकू ज्वाला देवी। ध्यान से देखिए गुरुजी।